दोस्तों, पिछले वीडियोस में हमने बात की कि किडनी स्टोन या रीनल कैलकुलस के बारे में। हमने बात की कि किडनी स्टोन कैसे होता है, ये कितने प्रकार का होता है, किडनी स्टोन के लक्षण क्या क्या हैं और हम इससे बचाव कैसे कर सकते हैं। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे किडनी स्टोन के डायग्नोसिस की और कैसे पता चलता है कि आपको किडनी स्टोन है, और बात करेंगे किडनी स्टोन के इलाज की। नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर देवांशु गुप्ता हमारे चैनल डैड ऑफ हेल्थ पर आप सभी का स्वागत करता हूं। आइए बिना देरी किए आगे बात करते हैं किडनी स्टोन के इलाज के बारे में। दोस्तों, किडनी स्टोन के सिम्टम्स के आधार पर डॉक्टर आपका एक्सरे KUB कराते हैं, यानी किडनी यूरेटर और ब्लैडर का एक्सरे करवाते हैं। कुछ स्टोन जो रेडियो ओपेक होते हैं तो वे स्टोन इस तरह के एक्सरे में नजर आते हैं, पर सिर्फ एक्सरे से कंफर्म कह पाना कि आपको किडनी स्टोन नहीं है संभव नहीं है। इसलिए आपकी किडनी और पेशाब के रास्ते की सोनोग्राफी भी कराई जाती है, जिससे आपके छोटे से छोटे किडनी स्टोन का पता चल जाता है और उसकी साइज का भी पता चल पाता है। और आपकी यूरिनरी ट्रैक्ट मतलब पेशाब के रास्ते में स्टोन कहाँ फंसा हुआ है वह भी पता चल पाता है। इसके अलावा आपके ब्लड टेस्ट भी करवाए जाते हैं, जैसे कि रीनल फंक्शन टेस्ट, जिससे किडनी कैसा काम कर रही है वह पता चलता है, और अगर स्टोन की वजह से किडनी को नुकसान होने लगा है तो वह भी पता चलता है। इसके अलावा पेशाब की अंडे जांच भी कराई जाती है। फिर बात आती है किडनी स्टोन के इलाज की। किडनी स्टोन का इलाज इस बात पर निर्भर करता है कि किडनी स्टोन की साइज क्या है, किडनी स्टोन पेशाब के रास्ते में कहाँ फंसा हुआ है और किडनी स्टोन किस प्रकार का है। इन तीनों बातों से डिसाइड होता है कि किडनी स्टोन या इस गुर्दे की पथरी का इलाज कैसे होगा, क्योंकि छोटे किडनी स्टोन पेशाब के रास्ते निकल जाते हैं और आपको खूब पानी और फ्लूड पीने की सलाह दी जाती है ताकि ये किडनी स्टोन पेशाब के रास्ते निकल जाए। और अगर आप इसे पेशाब के साथ निकाल पाने में सफल रहते हैं तो आपको इस स्टोन को एक डब्बे में इकट्ठा करना है ताकि इसे लैब में भेजकर जाँच हो सके कि ये स्टोन किस प्रकार का है। दोस्तों, ये देखा गया है कि अगर किडनी स्टोन 5 mm या उससे छोटा है तो 90% चांस ये है कि यह स्टोन पेशाब के साथ अपने आप ही निकल जाएगा, और अगर ये स्टोन 5 से 10 mm का है तो ये चांस 50% हो जाते हैं। और 10 mm से बड़े स्टोन के लिए आपको सर्जिकल ट्रीटमेंट या ऑपरेशन की जरूरत पड़ती है। अगर किडनी स्टोन का साइज 4 से 7 mm का है तो पेशाब के रास्ते निकल सकता है, तो सबसे पहले दवाओं से इलाज करने की कोशिश की जाती है, और इसमें ऐसी दवाएं दी जाती हैं जो आपके पेशाब के रास्ते को रिलैक्स करती हैं ताकि स्टोन आसानी से इस रास्ते से निकल सके। इसमें आता है अल्फा ब्लॉकर्स, जो यूरेटर की दीवारों को रिलैक्स करता है, और इस दवा से ये रास्ता रिलैक्स होकर चौड़ा हो जाता है ताकि स्टोन इस रास्ते से गुजर जाए। दर्द के लिए एंटी स्पैज्मोटिक दवाएं भी दी जाती हैं जो स्टोन से होने वाले दर्द से राहत देती हैं। इसके अलावा दूसरी दवाएं भी दी जाती हैं जो नए स्टोन को बनने से रोकती हैं। अगर दवाओं से स्टोन नहीं निकल पाता है तो आपको सर्जरी की राय दी जाती है। सर्जिकल ट्रीटमेंट में भी काफ़ी सारे ऑप्शंस होते हैं। सबसे एडवांस प्रोसीजर है RIRS या रेट्रोग्रेड इंट्रारीनल सर्जरी, जिसमें एक फ्लेक्सिबल एंडोस्कोप या दूरबीन पेशाब के रास्ते डाला जाता है जो किडनी तक पहुंचता है, और किडनी में स्टोन तक पहुंचने के बाद होल्मियम लेजर से इस स्टोन को तोड़ा जाता है और एक टोकरी नुमा उपकरण से पत्थर के टुकड़ों को बाहर निकाला जाता है। इस दूरबीनी उपकरण से ये सारा प्रोसीजर सर्जन को बाहर स्क्रीन पर दिखाई देता है, जिसमें देखते हुए इस प्रोसीजर को किया जाता है। इस ऑपरेशन में एक स्टेंट किडनी से ब्लैडर तक छोड़ा जाता है, जिससे अगर यह कोई स्टोन का टुकड़ा रह गया है तो वह बाहर निकल जाए। इस प्रोसीजर की खास बात यह है कि इसमें कोई इंसीजन या चीरा नहीं लगता है, मरीज को दर्द भी कम से कम होता है, अगले ही दिन मरीज अपने काम पर लौट सकता है। अगला इलाज का तरीका है यूरेट्रोस्कोपी। अगर पत्थर किडनी से तो निकल गया है पर पेशाब की थैली के पास यूरेटर में जाकर फंस गया है तो यूरेट्रोस्कोपी की जाती है। एक पतला दूरबीन जैसा उपकरण पेशाब के रास्ते डाला जाता है, इस उपकरण को यूरेट्रोस्कोप भी कहते हैं। जब यूरेट्रोस्कोप पेशाब के रास्ते स्टोन के पास पहुंच जाता है तब सर्जन या यूरोलॉजिस्ट लेजर या लिथोट्रिप्टर नामक इंस्ट्रूमेंट की मदद से स्टोन को तोड़ते हैं।
पत्थर के इन टुकड़ों को यूरेट्रोस्कोप के द्वारा बाहर निकाल दिया जाता है और पीछे एक डीजे स्टेंट छोड़ा जाता है जिससे पत्थर के बचे हुए टुकड़ों पेशाब के माध्यम से बाहर निकल जाते हैं। इस ऑपरेशन में भी कोई चीरा नहीं लगता है, पर यह ऑपरेशन यूरेटर के निचले हिस्से में फंसे स्टोन के लिए ही किया जा सकता है। अगली तकनीक है शॉक वेव थेरेपी, जिसे मेडिकल भाषा में ESWL या एक्स्ट्रा कॉर्पोरियल शॉक वेव लिथोट्रिप्सी भी कहते हैं। इस ट्रीटमेंट में मरीज को एक विशेष प्रकार की टेबल पर लिटाया जाता है और हाई एनर्जी शॉक वेव से किडनी स्टोन्स को तोड़ा जाता है और ये पत्थर के छोटे कण पेशाब के रास्ते आसानी से निकल जाते हैं। इस तकनीक का बस ये नुकसान है कि इसमें एक से ज्यादा सेटिंग की जरूरत पड़ती है और कई बार पत्थर के टूटे हुए टुकड़े यूरेटर में फंस सकते हैं और आपको दर्द भी हो सकता है, और यह तकनीक गर्भवती महिलाओं में नहीं की जा सकती। इसके अलावा इन्फेक्शन और ब्लीडिंग का खतरा तो सभी तकनीकों में रहता है। अगर स्टोन ज्यादा बड़ा है तो PCNL या परकुटेनियस नेफ्रोलिथोटॉमी नाप के ऑपरेशन की जरूरत पड़ती है। इस सर्जिकल पद्धति में मरीज की पीठ पर नीचे की तरफ एक चीरा लगाकर एक लंबा नली नुमा उपकरण डाला जाता है जो किडनी तक जाता है। इस उपकरण को नेफ्रोस्कोप कहते हैं। नेफ्रोस्कोप की सहायता से स्टोन को तोड़ा जाता है और ये टुकड़े बाहर निकाल दिए जाते हैं। इस ऑपरेशन में किडनी को भी मामूली नुकसान होता है, इसलिए कुछ दिनों तक आपके पेशाब के साथ खून आ सकता है, पर इससे घबराने की जरूरत नहीं है, कुछ दिनों में ये अपने आप भी ठीक हो जाता है। आजकल माइक्रो और मिनी PCNL तकनीक से ऑपरेशन होने लगा है, जहां बहुत ही छोटे चीरे से इस ऑपरेशन को अंजाम दिया जाता है, और इसका फायदा यह है कि इन्फेक्शन और ब्लीडिंग का रिस्क कम हो जाता है, मरीज को ऑपरेशन के बाद दर्द कम होता है, मरीज की रिकवरी फास्ट होती है। दोस्तों, ये सारे ऑपरेशन स्पाइनल एनेस्थीसिया, मतलब जिसमें शरीर के आधे हिस्से को बेहोश किया जाता है, या जनरल एनेस्थीसिया जिसमें शरीर को पूरा बेहोश किया जाता है, इसमें किए जाते हैं। कौन सा तरीका आपके लिए बेस्ट रहेगा बेहोशी का, ये आपके सर्जन और एनेस्थेटिक मिलकर डिसाइड करते हैं। पथरी के बाहर निकलने के बाद ये जानना जरूरी होता है कि पत्थर किस प्रकार का है। 80% केसेस में ये स्टोन कैल्शियम के बने होते हैं और बाकी केसेस में अन्य तरह के। अगर एक बार इस स्टोन का प्रकार पता चल जाए तो आप अपनी लाइफ स्टाइल में बदलाव लाकर भविष्य में नए पथरी होने से रोक सकते हैं। इस सभी ऑपरेशन के बाद अगले ही दिन आपको हॉस्पिटल से छुट्टी दे दी जाती है। अक्सर ऐसे ऑपरेशन के बाद यूजली डीजे स्टेंट किडनी में छोड़ा जाता है और आपको डीजे स्टेंट के साथ ही घर भेजा जाता है, परंतु इससे आपको घबराने की जरूरत नहीं है। कुछ सप्ताह बाद एक छोटे से ऑपरेशन से ये स्टेंट निकाल दिया जाता है। ऑपरेशन के बाद घर जाकर आप अपना रोजमर्रा का काम बिना किसी परेशानी के कर सकते हैं। बस आपको कठोर परिश्रम नहीं करना है, वजन नहीं उठाना है, थोड़ा थोड़ा टहलना है, घूमना है, बिस्तर पर लेटे नहीं रहना है, हल्की स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज भी आप कर सकते हैं। अपनी डाइट में नमक कम लेना है, फाइबर ज्यादा लेना है, यूरोलॉजिस्ट द्वारा प्रिस्क्राइब मेडिसिन समय पर लेनी है, और फॉलोअप के लिए जब आपको बुलाया जाए तब आपको अस्पताल जाना है। दोस्तों, रिसर्च में पता चला है कि बर्बरिस वल्गैरिस नाम की होम्योपैथी दवा किडनी स्टोन के इलाज में काफी कारगर है, और इसलिए बर्बरिस वल्गैरिस अक्सर किडनी स्टोन के इलाज में सर्जन और यूरोलॉजिस्ट द्वारा प्रिस्क्राइब की जाती है। यह दवा न सिर्फ किडनी स्टोन के दर्द में आराम देती है, बल्कि छोटे किडनी स्टोन्स को पेशाब के रास्ते निकालने में भी सहायक होती है, पर फिर भी इसे बिना किसी डॉक्टर की सलाह के आपको नहीं लेना है। दोस्तों, उम्मीद है किडनी स्टोन के इलाज पर मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपके लिए लाभप्रद होगी। इसके अलावा अगर आप जानना चाहते हैं उन घरेलू उपायों को, होम रेमेडीज को, जिसकी मदद से आप ये किडनी स्टोन को होने से रोक सकते हैं, इसके लिए आप ऊपर दिए गए लिंक पर क्लिक करें। भारत के सर्वश्रेष्ठ चिकित्सकों से बात करने के लिए, अपनी समस्याओं को सुलझाने के लिए आप ऊपर दिए गए नंबरों पर कॉल कर सकते हैं, और हेल्थ और मेडिकल से रिलेटेड यूजफुल, ऑथेंटिक, रिलायबल इंफॉर्मेशन के लिए कृपया हमारा यूट्यूब चैनल दैट ओके सब्सक्राइब करें। स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। धन्यवाद।